हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस पाइप लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी में अगर हम देखेंगे तो अभी ये जो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, अभी स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है 736 के पास में ट्रेडिंग हो रहा है। तो ये स्टॉक में अगर आज के दिन का अगर हम कारोबार देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 4,59,000 क्वांटिटी यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग हुआ है। और यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन में जो डिलीवरी उठाया गया है 2,61,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 56% इसका डिलीवरी उठाया गया है। और ये स्टॉक का आज के दिन में 0.54% का तेजी था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में एक बढ़िया सा हमें गेन दे सकता है। मैं किसी बेसिस पे बता रहा हूँ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक का एनालिसिस किया हुआ है। उसी बेसिस पे आप एक अच्छा सा स्टॉक को लेकर ट्रेड करके अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी अगर इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, इसका 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसका जब आरओसी की बात करेंगे, यहाँ पे 28% का आरओसी है। प्रॉफिटेबल, बहुत बढ़िया से प्रॉफिट दे रहा है ये कंपनी, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट तो है लेकिन 0.14 डेट है, मतलब 14% का डेट है कंपनी के ऊपर। कंपनी का एक बहुत बड़ा अच्छा एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, बहुत बड़ा रिटर्न दिया है स्टॉक ने। एक साल में यहाँ पे 154% का रिटर्न दिया है स्टॉक का। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात है, नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा से नेट प्रॉफिट ग्रोइंग हो रहा है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है इसका। अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट है अभी आने वाला है, कि दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट है, अभी ये 2 तारीख को पोस्ट होने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तक का डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आने के बाद में हम ये स्टॉक के बारे में भी उस टाइम पे ओवरव्यू देख सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, ये स्टॉक में एक अच्छा सा, इस स्टॉक में देखिए कितना बढ़िया सा अभी स्टॉक ने रैली दिखाया। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास में आया था। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बिल्ड हो रहा है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक एक्यूमुलेशन हुआ है। आप देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। ये सब जो एक्यूमुलेशन होता है ना, ये आपको इमीडिएटली टारगेट अचीव कराता है, क्योंकि आपको मैंने पहले से ही बताया था ऐसा सेम एक्यूमुलेशन बहुत सारा स्टॉक में हुआ था और टारगेट भी हमारा अचीव हुआ था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं, इस रेंज पे लेके चल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक ने, आप देखिए यहाँ पे कितना बार यहाँ पे स्टॉक ने है यहाँ पे एक रेंज बनाया, ठीक है। बहुत बढ़िया से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक का। उसके बाद में यहाँ पे दो बुलिश कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पे दो बुलिश कैंडल बना है। उसके बावजूद में आज अगर देखेंगे तो इस हिसाब से डोजी कैंडल बना है। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अभी एक बढ़िया सा गेन आपको दे सकता है, अगर आप इसमें पोजिशन बना के चलेंगे तो। यहाँ पे अगर यहाँ तक का अगर टारगेट लेके चलते हैं ना, यहाँ पे 17% का गेन आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो रेंज था, कैंडल का रेंज है, इस रेंज तक अगर स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक का 861 तक का अगर आप लेके चलते हैं शॉर्ट टर्म में, आपको ये इमीडिएटली ये गेन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 861 तक का जो टारगेट है, 17% का गेन है, मुझे लगता है 1 महीने में ये आपका टारगेट अचीव करा सकता है। लेकिन इस स्टॉक में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे स्टॉक को अगर आपका पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में रहेगा, ये आपको करोड़पति बना के देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम जैसे स्विंग ट्रेडर है तो हमारे लिए ये गेन बहुत अच्छा सा गेन है, जो कि 17% का गेन है 1 मंथ में हमें अचीव हो सकता है। फ्रेंड्स, जिन जिनको ये स्टॉक पसंद है तो ये स्टॉक को बिल्कुल अपना रेडर पे रख सकते हैं, या तो फिर बाय करना है तो अभी इमीडिएटली बाय करके चल सकते हैं, या तो फिर अगर इंतजार करना चाहते हैं तो फिर इस लेवल का जरूर इंतजार कीजिए, जो कि यहाँ पे एक अकुमुलेशन रेंज है। अगर स्टॉक यहाँ तक आता है तो फिर भी आप लेके चल सकते हैं ये रेंज पे, ठीक है, जो कि 700 का रेंज पे है। फिर से अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो करके चल सकते हैं, अगर यहाँ तक का भी आता है तो भी बढ़िया सा आपको गेन दे सकता है। अगर इमीडिएटली आप पोजिशन बनाना चाहते हैं तो भी बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, आपको इमीडिएटली ये 17% का गेन दे सकता है इसी हिसाब से।
अगर हम प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर यहाँ पे 62% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, यहाँ पे एफआई के पास में 4.84% का होल्डिंग है, डीआई के पास में 13.75% का होल्डिंग है, यहाँ पे पब्लिक के पास में है 18% का होल्डिंग है। सारा पैरामीटर बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं, आरओसी भी बहुत बेहतरीन आरओसी है, 28 का आरओसी है। तो कंपनी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अगर हम देखेंगे लिस्टिंग के बाद में, तो ये स्टॉक में आप बाइंग करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 78 से लेके अभी 10 टाइम्स हो चुका है ये स्टॉक, ठीक है। अगर यहाँ पे 8851 तक गया था तो इस हिसाब से ये स्टॉक एक एक 1.5 साल में एक 10 टाइम्स ग्रोथ दिखा चुका है, ठीक है। अगर इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पोजीशन बना के चल सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकता है। उसके बाद में आप एक अच्छा सा ट्रेड लेके स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया सा गेन ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।